विश्व का सबसे घातक हथियार जो लॉन्च होते ही पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है, जिसे रोकने के लिए चाइना, अमेरिका समेत कई बड़े देश भी घबराकर सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे खतरनाक हथियार की बात करने जा रहे हैं जो इतना ताकतवर है कि अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो पल भर में दुनिया में तबाही लाने की हिम्मत रखता है। और उससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इसे धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक कुछ ही मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या है ये हथियार, कैसे काम करता है और क्यों यह इतना खतरनाक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सबसे पावरफुल तकनीकी हथियार डीप फेक के बारे में। यह एक AI टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हूबहू वीडियो बना सकता है, उससे उसी व्यक्ति की आवाज़ में जो चाहे बुलवा और करवा भी सकता है। जैसा दोस्तों मान लीजिए आपके पास किसी अपराधी की ओरिजिनल वीडियो है जिसमें वो अपराध करता हुआ साफ नज़र आ रहा है, लेकिन डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए आप उस अपराधी की शक्ल को चेंज करके किसी अन्य व्यक्ति की शक्ल लगाकर सही को गलत और गलत को सही साबित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें आयरन मैन मूवी के एक सीन में टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी की जगह कैसे टॉम क्रूज की इमेज लगाकर डीप फेक वीडियो बनाया गया है। दोस्तों डीप फेक ट्रैप का पहला मामला 2017 में सामने आया था, जहां इसकी शिकार कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ हुई थी जिनके चेहरे को किसी अनजान व्यक्ति ने पोर्न वीडियो में लगाकर वीडियो को रेडिट नाम की वेबसाइट में डाल दिया था। हालांकि बाद में सारा मामला क्लियर हो गया था कि ये सब नकली वीडियोज़ हैं, लेकिन कुछ समय के लिए दुनिया में वो सेलिब्रिटीज़ ट्रोल तो हो ही गई थी। उसके बाद लगातार इससे रिलेटेड और भी आपराधिक मामले सामने आने लगे और देखते ही देखते कुछ ही समय में इससे जुड़े मामलों की संख्या हजारों में हो गई और अब तक लगभग 1,00,000 से ज़्यादा मामले दुनिया भर से सामने आ चुके हैं। इससे भारत में भी कई लोग प्रभावित हुए हैं, कहीं ब्लैकमेलिंग तो कहीं जानकार बनकर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पैसों की ठगी के मामले दर्ज हुए हैं और ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई भी व्यक्ति किसी की भी छवि धूमिल कर सकता है, किसी भी बड़े अधिकारी या मंत्री की डीप फेक वीडियो देश प्रदेश का माहौल खराब कर सकती है, बड़े बड़े चुनाव तक मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। सोचिए ऐसी नकली वीडियो अगर किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की हो तो वर्ल्ड वॉर तक करवा सकती है। अंत में दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि AI की इस नकली दुनिया में संभल कर चलने की ज़रूरत है। अगर आप डीप फेक ऐप को इस्तेमाल करने और प्रमुख डीप फेक ऐप के बारे में ऑल डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर क्लिक कीजिए और इसे अच्छे से समझिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।